पुलिस का एक बहुत बुनियादी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके जीने की पहली सीढ़ी है, इसके हवाले से आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? ये बड़ी, इसमें मेरा ख्याल कोई क्वेश्चन है ही नहीं। कानून बिल्कुल जाहिर है और किसी को भी ना गिरफ्तारी हो सकती है ना कोई डिटेन हो सकता है, उसके लिए कोई इनेबलिंग लॉ की ज़रूरत है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के शहरी नहीं, हर शख्स के लिए जो पाकिस्तान की हदूद पे है, पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन में है, उसमें बड़ी क्लियर लीगल वो पैरामीटर्स जो है वो सेट है, प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम है, और उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। जो इसको फॉलो नहीं करता है वो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, और वो बजात खुद उसके ख़िलाफ़ कानून भी उसके ख़िलाफ़ हरकत में आके उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। मैं समझता ही हूँ कि जो एक मॉडर्न स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है वो निगेट हो जाता है अगर हम लोगों को गिरफ़्तार करें बगैर किसी कानूनी प्रोसेस के, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के। ये इंतहाई ज़रूरी है और ये फंडामेंटल्स ऑफ द स्टेट है, जो रियासत है उसकी ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है। तो मैं इसमें कोई मैं टोटली एग्री करता हूँ कि ये बात दुरुस्त है और यही कानूनी हैसियत है, इस पर किसी किस्म की बहस की गुंजाइश है ही नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि अगर कोई मसाइल हैं तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है।